दोस्तों नमस्कार, हास्य सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में आपको हंसाने के लिए, आपको आनंद देने के लिए न्यूज 24 की ये शानदार मुहिम जिसमें देश भर के कवि हमारे साथ होते हैं, आज मैं सुनील जोगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और शुरुआत करता हूँ पहले सेक्शन जिसका नाम है न्यूज सेक्शन। राहुल गांधी ने अपने चुनावी रैली के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। राहुल गांधी द्वारा आविष्कार की गई इस नई संख्या के बारे में जनता क्या कह रही है, आनंद लीजिए। फिर देखो तू मैं का आया है जमाना, आए चुनाव निकला है जुमलों का खजाना, आए चुनाव निकला है जुमलों का खजाना। जनता ये कह रही है 35 का मतलब, राहुल जी समझ जाओ तो हमको भी बताना, राहुल जी समझ जाओ तो हमको। कुछ दिन पहले दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह पर अनिल शर्मा नाम की व्यक्ति ने मिर्च का पाउडर फेंक दिया। इस मिर्ची कांड के बाद कई नेता डरे हुए हैं। जो डरे हुए हैं उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आप आनंद लीजिए। कि नेता अगर बने हैं तो इज्जत बचाइए, नेता अगर बने हैं तो इज्जत बचाइए, और केजरी बवाल सा धोखा न खाइए, और केजरी बवाल सा धोखा न खाइए। डर है न कोई, मार दे मिर्ची का पाउडर, जनता में जब भी जाइए हेलमेट लगाइए, जनता में जब भी जाइए हेलमेट लगाइए। जल्दी निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा शादी करने वाले हैं, और शादी के बाद हॉलीवुड स्टार निक की क्या हालत होगी, 4 लाइनों में समझ जाइए। कि शूटिंग में व्यस्त हैं प्रियंका जान जाइए, शूटिंग में व्यस्त हैं प्रियंका जान जाइए, निक से कहा कि शादी का सामान लाइए, शादी के बाद देखना वो ये भी कहेंगी, गाना बजाना हो चुका बच्चे खिलाइए। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान एक नेता वोट मांगने के साथ वोटरों को एक चप्पल की जोड़ी भी दे रहे हैं। आपको पता होगा, उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो इन्हीं चप्पलों से उन्हें पीटा जाए। नेताजी की इस नई पहल से क्या लगता है, आप आनंद लीजिए। कि क्या दिन है सियासत के सोचना विचारना, क्या दिन है सियासत के सोचना विचारना, संकट में किसी और को अब ना पुकारना, प्रत्याशी ने वोटर को चप्पलें प्रदान की काम न कर पाऊं तो इससे ही मारना, काम न कर पाऊं तो इससे ही मारना। दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन के बेटे और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट राहुल महाजन ने तीसरी बार शादी की है। राहुल महाजन की इस रफ्तार को देखते हुए क्या लगता है, इन 4 लाइनों का आनंद लें। कि राहुल महाजन तीसरी शादी रचाएंगे, जो नाम बाप ने किया था वो डुबाएंगे, जो नाम बाप ने किया था वो डुबाएंगे। घर आशिकी का भूत यूं ही सर चढ़ा रहा, शादी के एक दिन ये सेंचुरी बनाएंगे, शादी के एक दिन ये सेंचुरी बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग हो चुकी है, सभी दल नई नई नीतियां बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस माहौल में बाकी पार्टियों को क्या इशारा दे रही है, सुनना। कि जे एंड के में दाल को गलने नहीं दूंगा, बीजेपी क्या कह रही है। कि जे एंड के में दाल को गलने नहीं दूंगा, पीडीपी कांग्रेस की चलने नहीं दूंगा, सरकार के मुद्दे पे बीजेपी ने ये कहा, मेरी नहीं तो तेरी भी बनने नहीं दूंगा, मेरी नहीं तो तेरी भी बनने नहीं दूंगा, मेरी नहीं तो ते। और दोस्तों आइए, देश भर से जो कवि हमारे बीच आए हैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। ये वो कवि हैं जो ये कहते हैं कि आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पे नजर रखते हैं, अपनी आंखों में भले आंसुओं का सागर हो मगर जहां को हंसाने का जिगर रखते हैं।
क्या बात है, वाह वाह। चार कवि हमारे बीच हैं जो आपको हंसाने का जिगर रखते हैं। सबसे पहले सबसे किनारे भाई अनिल अग्रवंशी यहाँ बैठे हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और चश्मा लगाते हैं। मैंने कहा अनिल भाई चश्मा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखो। सबके अपने अपने संकट हैं। मैं अभी हरियाणा गया पिछले दिनों सुधीर जी, तो वहाँ एक ढाबे पे लाइन लिखी हुई थी कि हरियाणा पधारने पर इस ढाबे में आपका स्वागत किया जाता है और खाने के बाद भुगतान नहीं करने पर लठ से विदाई भी की जा सकती है। ये हरियाणा का स्वागत का तरीका है। अनिल जी ने मुझे बताया कि दोस्तों सरकार सीने की बुलंदी ले गई। दोस्तों मैंने कहा बड़े उदास हो, बड़े मायूस हो, ऐसा क्यों? इन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बात कि दोस्तों सरकार सीने की बुलंदी ले गई, जो भी कारोबार था उसको ये मंदी ले गई। मैंने पूछा अनिल बाबू ये उदासी किस लिए, बोले चेहरे की खुशी सब नोटबंदी ले गई। जोरदार तालियों से स्वागत करें अनिल अग्रवंशी हमारे बीच। न्यूज 24 के कार्यक्रम में बहुत आपका स्वागत है। तमाम दर्शक बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बहुत अच्छा सब लोग ताली बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। वरना दिल्ली में भी कवि सम्मेलन ऑडिटोरियम में एक महिला 15 मिनट से गुस्से में मेरे को घूर रही, आयोगी घर में लड़ाई वड़ाई करके मुझे क्या लेना देना भाई साहब। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है, महिलाओं का पता नहीं क्या निपटा दे। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं जोगी भाई, स्वागत। पीएम बनने की दौड़ में पूरा देश है साहब, दो तीन नेता तो बहुत आगे हैं, उनसे पूछा साहब आपको क्यों बनाया जाए। चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, स्वागत भैया। के पीएम जी से बनना है जरा हाथ उठाओ, वाह। पीएम जी से बनना है जरा हाथ उठाओ, मोदी जी बोले फिर दोबारा मुझको हिलाओ, राहुल जी मीटू मीटू कह के दौड़ के आए, राहुल जी मीटू मीटू कहते दौड़ के आए, दूल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ, दूल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ। आइए दोस्तों मित्रों एक हास्य की कविता। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बड़े तनाव में रहते हैं, तनाव बिल्कुल नहीं रखना साहब, मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए, कोई तनाव नहीं रखना चाहिए। वहीं से एक हास्य व्यंग का विषय लिया है, समर्पित करता हूं सुनिएगा बाबरा भाई। हाँ जी, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में भाई साहब, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये दिनेश बाबरा की शादी स्कूल से ही हुई है कि 6th में पढ़ता, 24 साल का हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते साहब, मास्टर रिटायर हो जाया करते। और एक पंच देता हूं आपको, एक व्यंग देता हूं, आपका प्यार चाहूंगा। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। ये थे अनिल अग्रवंशी। और आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सरदार मनजीत सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हरियाणा नारनौल के रहने वाले हैं और दुनिया में बहुत सारे देशों में वो जाते रहते हैं जहाँ जहाँ हिंदी है। बहुत बचपन से विद्वान थे, बहुत बचपन से होशियार थे, 10th class के 5 बार मॉनिटर रहे, इतना जीनियस आदमी आपने नहीं देखा होगा। फिर 12th class के 3 साल मॉनिटर रहे, बाद में इतने सीनियर हो गए कि वही मैनेजमेंट ने अध्यापक नियुक्त कर दिया, बोले अभी इस उम्र में कहाँ जाओगे, और अध्यापक भी बनाया अंग्रेजी का। बच्चे ने पूछा मास्टर जी जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मनजीत सिंह ने कहा जलेबी को कहते हैं राउंड 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 एट स्टॉप। बच्चे को मजा आया, तो उसने फिर पूछा अगले दिन कि मास्टर जी दही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मंजीत भाई ने कहा बेटा दही को अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट बट मॉर्निंग इज टाइट। तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं,
मैं उनके लिए चार पंक्तियां ये सब हंसी की बातें थी, मैं उनके लिए कहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के। क्या तो कलेजा है सरदार मंजीत सिंह के पास, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें नारनौल से भाई मंजीत सिंह। बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय अपमान के साथ मेरा परिचय दिया गया है। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बच्चे जरा ज्यादा पढ़े लिखे अंग्रेजी में हो गए, और एक स्थिति ये थी कि उनको पता नहीं होता था। मेरे खुद की बता रहा हूँ, मैंने छठी में ABCD सीखी, MA कर ली, पढ़ाना शुरू कर दिया, बाद में एक दिन मुझे पता लगा कि लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं। मैं तो यही सोचता था कि लेडी फिंगर किसी महिला की उंगली। तो मैंने कहा बच्चे पढ़े लिखे हो गए, मैंने एक लड़के से कहा, मैंने एक छात्र से कहा, मैं कहा चाहते जरा ये 20 का नोट पकड़ और सब्जी मंडी से लेडी फिंगर लेकर आ। अब वो छात्र बेचारा भिंडी की अंग्रेजी नहीं था जानता, लेडी फिंगर को महिला की उंगली ही था मानता। वो सब्जी मंडी में गया और एक खूबसूरत सी सब्जी बेच रही महिला की उंगली पकड़ते हुए बोला, आप ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं? अरे आप ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं, ये 20 का नोट पकड़िए, गुरुजी आपको घर पे बुला रहे हैं। सुनील जी ने अभी जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, मैंने कुछ टुकड़े उससे जोड़े हैं और एक रचना मिली जुली सी बनाई है। मैंने देखेगा आप कि गुलाम नबी आजाद ने संपर्क किया उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी से, और उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, एक छोटे से सीक्वेंस में चीजें देखिए। और गुलाम नबी साहब कहते हैं, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, CM चाहे बन जा पर हमसे तो मिल जा, अगर जो तू खिचड़ी अपनी पकाएगी, अलग से जो खिचड़ी अपनी पकाएगी, मोदी की मिर्ची उसमें पड़ जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। तो देखिए उमर अब्दुल्ला इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलो एक बार मिलके दोस्त बन जाएं हम ही सारे, चलो एक बार मिलके दोस्त बन जाएं हम ही सारे, लगे घाटी में फिर से पाक जिंदाबाद के नारे, चलो एक बार। और इन दोनों का समर्थन लेके और अपनी जो है वो चिट्ठी भेजती है गवर्नर को, महबूबा मुफ्ती पर रिपोर्ट करती है कि खत लिखा गवर्नर के नाम मैंने, खत लिखा गवर्नर के नाम मैंने, बहुमत का किया इंतजाम मैंने, CM बनवाएंगे ओथ दिलवाएंगे खत लिखा। और गवर्नर साहब का क्या निर्णय होता है देखिए, सत्यपाल मलिक जी का, वो कहते हैं तुम्हारी चालों ने सारी दुनिया को एकदम दंग कर दिया है, तुम्हारी चालों ने सारी दुनिया को एकदम दंग कर दिया है, सियार बिल्ली और भेड़िए को एक रंग में ही रंग दिया है, पता है ये गठजोड़ कैसी आग जन्नत में कल भरेगा, पता है ये गठजोड़ कैसी आग जन्नत में कल भरेगा, इसीलिए असेंबली को पहले ही भंग कर दिया है, इसीलिए। जोरदार तालियां मंजीत सिंह के लिए। मेरे बगल में पद्मिनी शर्मा बैठी हैं, 2-in-1 कवित्री हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वाह जी वाह। और ये नई उम्र की लड़कियां सुधीर जी कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, मगर बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तो चार पंक्तियां मैं उनके लिए सुनाता हूं कि सच तो ये है आज की महिला गहरे पानी बैठी है,
सच तो ये है, आज की महिला गहरे पानी बैठी है, नारी को अबला मत समझो, पत्नी पति पर ऐठी है। एक पद्मिनी जौहर कर गई, एक को ले रणबीर गए, एक पद्मिनी बच गई थी जो आज यहाँ पर बैठी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें पद्मिनी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 के इस शानदार कार्यक्रम में। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछ मेरे साथ ही ऐसे हैं जो मुझे अनुप जलोटा की नजरों से देख रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं कि मैं जसलीन नहीं हूँ। बीते दिनों की याद में शर्माए है दादा, एक बार पूरे जोश में फिर आए है दादा। जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए है दादा, एक हारमोनियम खरीद लाए है दादा, एक हारमोनियम। ये थी पद्मिनी शर्मा। और हमारे बीच मुंबई से दिनेश बावरा आए, वो लाफ्टर चैलेंज में भी गए, लाफ इंडिया लाफ में गए और इतनी बार टीवी पे आए कि खुद टीवी के मरीज जैसे हो गए। गोरखपुर के रहने वाले हैं, दिनेश मिश्रा हैं, लेकिन गोरखपुर और योगी जी का इतना प्रभाव है कि खुद ही नाम बदल लिया, बोले मैं दिनेश बावरा खुद ही हो जाता हूँ। वो हमारे बीच है। मैं एक बात इनके लिए बताता हूँ कि हंसते हंसते हर बीमारी का निदान कर सकता है। ये कवि कैसा है कि हंसते हंसते हर बीमारी का निदान कर सकता है, गंजों की बस्ती में कंघों की दुकान कर सकता है, गंजों की बस्ती में कंघों की दुकान कर सकता है। ताली नहीं बजाई तो ये पंडित है गुस्सा होकर, जिंदा भी बैठे होगे तो पिंडदान कर सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें दिनेश बावरा। बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मिनी ने अनुप जलोटा जी को ऊपर सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अतिरिक्त सम्मान मिलना चाहिए। मेरा चेहरा आप ध्यान से देखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलता जुलता है और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है, तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूँ, कोई बिल पास नहीं हो रहा है। जो लोग 4-5 लोग ने ताली बजाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपने बहुत मन से सुना, एक शेर सुनिए कि दिल जवां हो तो बेबसी कैसी, दिल आय हाय हाय क्या बात है। अच्छा है। इतना दर्द से तो मेरी घरवाली ने भी कभी नहीं बोला था भाई साहब। दिल जमा हो, किसी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात को दिल पे मत लेना, किडनी पे लेना, क्योंकि दिल एक होता है, किडनी दो होती है, चली भी जाए तो काम चलते रहता है। तो दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। वाह, दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। मैं पहली 4 लाइनें सुनाता हूं। मैं तो दुनिया में कहता हूं भाई, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए, वो प्यार किसी और से करे शादी। क्या हुआ भाई, ताली बजाओ भाई, बड़ी अच्छी बात कह दी है मैंने उसमें। हाँ, लव मैरिज करो दुनिया में, और जिसने लव मैरिज किया वो सुखी रहा। कृष्ण ने लव मैरिज किया, वृंदावन में रहे, राम ने मैरिज किया। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, 14 बरस रहे, आप देख लीजिए। लेकिन मैं 4 लाइनें सुना देता हूँ। मैं तो प्रेम का कवि हूँ, प्रेम ही लिखता हूँ, बड़े मन के साथ, बड़े मन के साथ सुनिएगा। कि एक बार एक गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार, दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित कर किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। तो जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम का जिक्र किया तो एक दिन भगवान श्री राम को हिचकियां आ रही थी, तो सीता माता ने कहा कि प्रभु आपको हिचकियां किस लिए आ रही हैं। राम जी ने कहा कि सीता, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगता है बीजेपी फिर से याद कर रही है। क्या बात है। तो ये ठाकों का दौर, ये हास्य सम्मेलन चलता रहेगा, कहीं मत जाइएगा न्यूज 24 छोड़कर। थोड़ी देर बाद हम सब मिलते हैं, अभी एक छोटा सा अंतराल। क्या वाह 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 वाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हास्य सम्मेलन में।
जारी है ठहाकों का दौर, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आइए हम चलते हैं अनिल अग्रवंशी के पास, जो और ठहाके लेकर हमारे बीच आए। स्वागत करिए अनिल अग्रवंशी। चार पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, किस किस को उम्मीद अच्छे दिन आएंगे सुनिएगा, पूरा देश इस उसमें है कि अच्छे दिन आएंगे। के इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। और चौथी पंक्ति में समर्थन चाहूंगा साहब कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे, और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी कराएंगे, लगता है। वाह 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 वाह। ऐसी हालत है, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मिश्रा जी ने कंफर्म 2 महीने पहले का टिकट कराया फैजाबाद से इलाहाबाद का। अब फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, और मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए। तो आइए मैं मिश्रा जी की तरफ ही चलता हूं। दिनेश बावरा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मुंबई से हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों दशहरा आया तो मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा, पापा ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं? मैंने कहा बेटा जिसके परिवार का मरेगा वही ना जलाएगा। लेकिन मैं एक कविता सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी इस दावे के साथ। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, News 24 का भी एक संदेश होगा और मेरा भी एक संदेश होगा, दोनों संदेश मिलकर के भारत की तरक्की के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाँ, गरीब का लोग दहेज से मरते। सेठ जी ये शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं, इसे संस्कृत में सरकरा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनी प्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। जरूर डायबिटीज से मरेगा। ओहो ओ, इसलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? रामू तूने मुझे दहला दिया है, मैं चाहता हूं शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ, कुछ नहीं खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है, जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। क्या बात है, बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है, मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए, ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए, ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए, ये नजर भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की, हे ईश्वर अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, इस दिल्ली में इस भारत में इस दुनिया में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई दिनेश बावरा ने। मेरे एक मित्र बोले कि चुनाव हर जगह चल रहे हैं, जोगी जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? मैंने कहा ना मैं चुनाव लड़ रहा हूं ना मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, हम दोनों आपस में ही लड़के बहुत खुश हैं।
तो लड़ने भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज 24 पर यह चलता रहेगा हास्य सम्मेलन। अभी थोड़ी देर बाद हम सब फिर वापस आते हैं, तब के लिए छोटा सा अंतराल। बहुत बहुत स्वागत है फिर से न्यूज 24 पर हास्य सम्मेलन में आप सबका। आइए फिर से चलते हैं अनिल अग्रवंशी के पास, जिनका एक हरियाणा का रंग है। उनकी कविताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अनिल अग्रवंशी, आजकल बच्चों को पढ़ाई की बड़ी टेंशन है, आपने देखा होगा, बहुत टेंशन में तनाव में रहते हैं। हमारे टाइम में ये तनाव नहीं था, हम स्कूल गए, पढ़े रहे कभी नहीं पढ़े। आजकल के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कह दिया भैया कल तेरा 2 बजे रिजल्ट आएगा, मेरी मीटिंग चल रही होगी, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, रिजल्ट आए तो अपना इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया, उसने देखा पिताजी बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, पिताजी ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ। बच्चा हरियाणा का था, बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं आया। इसलिए अपने को कोई तनाव में नहीं रहना, अपने को मस्ती में रहना है साहब। लेकिन 2 बातें पहले मैं राम मंदिर के बारे में कहना चाहता हूं साहब, सुनिएगा। कि ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए, बात अच्छी लगे तो भरपूर समर्थन चाहूंगा साहब, और आप भी सुनिएगा कि बात तक कहां तक पहुंचे हैं। ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, दुनिया के न्यायाधीश का करेंगे फैसला, दुनिया के न्यायाधीश का करेंगे फैसला, ये जज भी यारो कैसे बेलिहाज हो गए, ये जज भी यारो कैसे बेली। लेकिन भगवान श्री राम से पूछा गया, 4 पंक्तियां, भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो भगवान ने जो जवाब दिया उसके बाद सीधे सीधे हास्य कविता। कि हर हाल में खुशहाल ये संसार चाहिए, ये तमन्ना भगवान की है। कि हर हाल में खुशहाल ये संसार चाहिए, मुझको तो भाई भाई में बस प्यार चाहिए, हिंदू या मुसलमान मैं सबके दिलों में हूँ, हिंदू या मुसलमान मैं सबके दिलों में हूँ, मुझको ना अयोध्या ना हरिद्वार चाहिए, मुझको अयोध्या। एक बार तालियां बजाएं अनिल अग्रवंशी के लिए। क्या जमाना आ गया जिंदा कहानी हो गए, क्या जमाना आ गया जिंदा कहानी हो गए, दूध जैसे लोग थे जो पानी पानी हो गए। क्या बात है, क्या जमाना आ गया जिंदा कहानी हो गए, दूध जैसे लोग थे जो पानी पानी हो गए, मैंने पूछा हाल क्या है दादाजी तो रो पड़े, बोले बेटा हम भी घर में आडवाणी हो गए। तो आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और सरदार मंजीत सिंह तक ले जाता हूँ, तालियों से आप स्वागत करें। दरअसल क्या है, कोई सरदार जी बोलना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता नहीं कि ये बोलेंगे, क्योंकि हमारी रेपुटेशन मनमोहन जी ने ऐसी खराब कर दी है। जब ये 2014 में चुनाव होने लगे तो सोनिया जी ने पूछ लिया मनमोहन जी से कि 10 साल तक तू चुप रहा, अब तो कुछ बोल दे सरदार। भाई 10 साल तक तू चुप रहा, अब तो कुछ बोल दे सरदार। तो मनमोहन जी बोले अब की बार मोदी सरकार। मित्रों ये हास्य की बात थी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी सरदार जी की बुद्धि अर्थ होकर खेतों में पहुंचती है तो वहां फसलें नहीं सोना लहला उठता है। वाह 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 वाह। जब वो बुद्धि अर्थ होकर फैक्ट्री में पहुंचती है तो उत्पादन दुगना तिगना हो जाता है। और समस्त सदन का प्रेम और आशीर्वाद चाहूंगा, जब वो बुद्धि अर्थ होकर सीमाओं पर पहुंचती है तो देश की रक्षा के लिए बंदूकें उठ खड़ी होती हैं। वाह 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 वाह। और आइए आगे बढ़ते हैं पद्मिनी शर्मा की ओर, एक बार तालियों से उनका भी स्वागत करें। शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, हस्तीमल हस्ती ने कहा कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तालियों से स्वागत करें पद्मिनी शर्मा।
जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, ते नाम वाले जितने भी बदनाम हो गए। बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो। और चार पंक्तियां सौंपी। बहुत से बाबाओं की बात हम सब करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, उस उन सारी बातों का सार क्या है, एक और पहलू क्या है आपसे बांटती। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कली एकदम बिल्कुल नई ताजी भाप निकलती हुई पैरोडी आपके लिए लिखकर लेकर आई हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दे दीजिए। रुपया गिरा रे मोदी जी की सरकार में, रुपया गिरा रे मोदी जी की सरकार में, रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा, हाय हाय हाय, रुपया गिरा रे। और मन सुने, आया डॉलर बोला मैं हूँ अमरीका का जानी, आया डॉलर बोला मैं हूँ अमरीका का जानी, रुपया बोला मैं हूँ देसी ठेठ गाँव देहाती। डॉलर ने सुनते ही ऐसे जोर से काटी चिकोटी, डॉलर ने सुनते ही ऐसे जोर से काटी चिकोटी, रुपया बोला तू तो यारा निकला बिल्कुल नॉटी, हाय निकला बिल्कुल नॉटी। फिर रुपया गिरा रे अच्छे दिन की रफ्तार में, रुपया गिरा रे अच्छे दिन की रफ्तार में, रुपया गिरा, रुपया गिरा। और बहुत महत्वपूर्ण अंतर आपको सौंपती हूँ, नई नई स्कीमें लाकर याद दिला दी नानी, नई नई स्कीमें लाकर याद दिला दी नानी, मध्य वर्ग का हाल बुरा है मांग रहा है पानी, हाथ जोड़कर खड़ा रुपया डॉलर सम्मुख जानी, हाथ जोड़कर खड़ा रुपया डॉलर सम्मुख जानी, जैसे मोदी जी के सम्मुख खड़े हुए अडवाणी, हाय खड़े हुए अडवाणी। फिर जनता रोई रे, फिर जनता रोई रे पछवादों के संवाद में, रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा, हाय हाय हाय, रुपया गिरा रे। जोरदार तालियां। रुपए के गिरने के बहाने से उन्होंने बहुत सारी बातें इशारों इशारों में कह दी। इन्हीं इशारों को और आगे बढ़ाते हैं और मुंबई चलते हैं दिनेश बावरा के पास कि वो क्या नई कविताएं लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये रुपया कहाँ गिरता अगर कोई पता बता दे तो हम बीन करके ले आए, अपना काम चलाएं। चलिए यही पता नहीं चलता ये गिरता कहाँ है। लेकिन आजकल राम का मुद्दा छाया हुआ है, बस मैं सुनाता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोला राम। शख्स बोला राम। अधिकारी बोला राम पिता का नाम बताएं। राम बोला, राम बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अपना अस्तित्व ही खो बैठोगे, अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे हो, ये बताने के बाद सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। ये बताने के बाद सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताएंगे, और कहीं क्यों जाएंगे, और क्यों क्यों जाएंगे। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो या पागलखाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले ना अधिकारी, राम जी बोले न जब पागलखाना का सताया हुआ हूँ न रामलीला से आया हुआ हूँ मैं, बस आप मेरी अर्जी पर ध्यान दे दो, मैं हूं तो राम
पर आप आम आदमी ही समझ के मुझे मकान दे दो। वाह वाह वाह, मैं हूं तो राम पर आप आम आदमी समझ के ही मुझे मकान दे दो। अरे एक बात बताऊं मित्र, अच्छा तो तुम राम हो, अधिकारी बोला तो तुम राम हो, न धनुष है न बाण है, तुम राम हो इस बात का क्या प्रमाण है? राम जी बोले ये सब प्रमाण का ही तो खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। अरे मंदिर और मस्जिद ये सब चुनावी धंधा है, वोट पाने का हथकंडा है। सुना है कि अब मंदिर बनाने के लिए कानून लाने की बात हो रही है, 2019 आ रहा है ना, राजनीति वोट के बीज बो रही है। और एक बात बताऊं, न जाने राजनीतिक कड़ाही में कितनी बार छला गया हूं मेरे दोस्त, मैं त्रेता से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं। मैं त्रेता से ज्यादा तो कलयुग में छला गया हूं। लेकिन अब आज के बाद तेरे दफ्तर में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात कान खोर के सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दिनेश बावड़ा की समसामयिक कविता के लिए। मैं एक गीत सुनाता हूं, लोग प्रेम करते हैं शादियां नहीं हो पाती, क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे, वो मैंने हास्य के माध्यम से खोजे। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, ऐसे मैं सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार, ये अंतर आप याद कर लेना और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करना, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूं, आप अंतर देखो, एक अंतर आप इधर अनिल जी को देख के सुन लो, या एक अंतर इधर पद्मिनी को देख कर सुन लो, ये संवाद यही सामने है। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं ऑडियो हूं, वीडियो इधर है। कि मैं फौजी अफसर की बेटी, तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ, तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं, तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय, ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय, तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय, तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय, तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय, तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूं कछुए की चाल प्रिय, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूं बबूल की छाल प्रिय, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूं बबूल की छाल प्रिय, मैं पके आम सा लटका हूं, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम हीरे की व्यापारी हो, मैं बेच रहा हूं तेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। दोस्तों ये खातों का दौर चलता रहेगा, अभी एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं न्यूज 24 पर हास्य सम्मेलन। मुझे एक गीत सुनाने का मन है जो देश भर में बहुत लोकप्रिय हुआ, वो मैं आप सुनाता हूं। प्रेम के माध्यम से हंसाता हूं, किस तरह प्रेम हंसाता है आपके जीवन में वो मैं आपको बताता हूं। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं,
जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से। प्रेम में मुश्किल क्या होती है ये भी सुनना, कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक पंक्ति में समझ आ जाए तो सबका समर्थन चाहिए, कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी तेरी दाई। अगर आपका भी मन करता हो कि आप हमारे बीच आना चाहते हैं, अपनी कविताएं लोगों को सुनाना चाहते हैं, आप भी यहां से कविताएं लिखते हैं, तो आप कुछ मत करिए, एक अपना वीडियो बना लीजिए और हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर, ईमेल कर सकते हैं आप हमारे इस ईमेल आईडी पर। कुछ कवियों ने हमें अपने वीडियो भेजे हैं, क्लिप भेजी हैं चैनल को, उसको हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। बीजेपी के एक नेता से मैंने पूछा कि इस भयंकर बारिश में पूरा शहर कीचड़ से भरा पड़ा है और तुम चुनाव जीतने के बाद हमेशा बाहर ही रहते हो। वो मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखकर बोले, हे मतदाता, अगर तुम कमल के समर्थक हो तो कीचड़ से क्यों डरते हो? मैंने कहा, ये तो मुझे भी पता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन खिलने के बाद ये कमल हमें क्यों नहीं दिखता है? वो बोले कि कमल दिखाने वाला चश्मा बहुत महंगा बिकता है, इसलिए तुम गरीबों को बस कीचड़ ही कीचड़ मिलता है। हंसने हंसाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा न्यूज 24 पर। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में सबको खुशियां लुटाइए। हास्य सम्मेलन का यही संदेश है और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हास्यमेव जयते।